अति दर्शक यंत्र मैं लाऊंगा और भस्म को तुम। ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने? तो अति दर्शक यंत्र तो तुम्हारी आंखों के सामने है, भस्म मुझे नजर नहीं आ रहा। ये काम भी अब मुझे करना पड़ेगा। भांजी, अब ये इतनी जिद कर ही रहा है तो ये काम इसे ही सौंप देते। ऐसा मैं नहीं, अंधेरी सोच रहा था। नहीं, तुमने अपना वादा निभाया है, मैं अपना निभाऊंगी। मतलब भस्म को यहाँ तुम लेकर आओगी? नहीं, भस्म को नहीं लाऊंगी। मैं इस अति दर्शक को भस्म तक लेकर जाऊंगी। यंत्र तो घर पर लगा दिया, लेकिन काम तो करेगा ना, या सिर्फ पत्थर की तरह पड़ा रहेगा? तुम फिर पत्थर बोल रहे हो यार? तुम बालवीर हो, तुम जेंटलमैन इतनी आम है, बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स यार। यंत्र सिर्फ काम नहीं करता है, बल्कि सिग्नल भी देता है, और ये यंत्र हिमबाश लोग के कोई भी नेगेटिव पावर को पहचान लेगी। मतलब इस घर के अंदर कोई भी आया है तो वो? सिर्फ घर के अंदर नहीं, बल्कि ये पूरा मोहल्ला इस यंत्र के रेडार में है। हाँ, अब मैंने इस यंत्र को बिजली के तार के साथ जोड़ दिया। अब हिमबाश की कोई भी नेगेटिव शक्ति इस घर के ही नहीं बल्कि इस मोहल्ले के आस पास भी होगी ना, तो ये यंत्र मुझे इस घड़ी पे सिग्नल भेजेगी और मैं तुम्हें सिग्नल भेजूंगा। ये मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। बहुत अच्छे बताओ, आज तुम्हारे और तुम्हारे इस यंत्र की वजह से अबागील भस्म तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। आगील भस्म तक पहुंच कर रहेगी हर हाल में। कैसे? तुम्हारी मदद से। मेरी मदद से? तुम ही ने कहा था ना, ये ना मेरा काम है ना तुम्हारा, हम दोनों का काम है। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। माय पिज़्ज़ा, वो क्या कहते हैं? मैं, मेरा पिज़्ज़ा और मैं। हाँ, तू मेरा पिज़्ज़ा ले लो की जगह खुद पिज़्ज़ा खा रहे हो। लाओ मेरा पिज़्ज़ा वरना जीरो रेटिंग दूंगा मैं। अबे क्या रेटिंग, तुझे क्या मैं डिलीवरी बॉय दिखता हूँ क्या? ये पिज्जा ना मैंने ऑर्डर किया है, ये सारे पिज्जा समझा ना, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी इसीलिए मैंने मंगाया। इतने सारे पिज्जा? भाई कितने दिन से भूखे हो तुम? क्या सच बताऊं तुझे, हिमबाश लोग में ना पिज्जा खाने को मिलता नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने मंगा के खा रहा हूँ। हिमबाश लोग? अबे तू जाना यहाँ से, क्यों दिमाग मेरा चाट रहा है? मुझे पिज्जा खाने देना, भूख लगे तो भाई आगे भागना। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। वो क्या कहते हैं? मैं, मेरा पिज्जा और अरे हो बा दे रे, हो बा, हो बा, मेरे दोस्त। पता चला मेरा भाई आजाद हो गया तो मैं मिलने चला आया। आजाद हो गया यार। ये क्या कर रहा है सरदार? हो के गरबा करना है तो भांगड़ा कर, गरबा कर रहा है। अगुरु, नाचने का कोई नियम नहीं होता, दो चार लोग को मार के कोई यम नहीं होता, और गुस्सा करने वालों का कोई संयम नहीं होता। अगुरु ठोक दो ताली होए। ए अंधेरी, अंधे सच बता, मैं सरदार के फेस में असरदार लग रहा हूं ना? सच बताऊं? ए तेरी तो पहुंच गए। हाँ गिल, जैसा आपने कहा था, मोहल्ले के बाहर खड़े हैं। ठीक है, वहीं इंतजार करो,
शशमाक को शक है कि बरदौल ने कोई ना कोई जाल जरूर बिछाया होगा हमारे लिए। वो बात उगलवाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें जब तक सिग्नल ना मिले तुम अंदर मत जाना। ठीक है, इंतजार करो। मुझे जल्द से जल्द भस्म शुल्क को उर्जित करना होगा। जब तक भस्म शुल्क पूरी तरह से उर्जित नहीं हो जाता हम भस्म से सुरक्षित नहीं रह सकते। इसी भस्म शुल्क से हम भस्म को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। बालवीर माँ, ये भस्म शूल बहुत धीमी गति से उर्जित हो रहा है तो मैंने सोचा इसे तेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये इसकी गति तो बढ़ ही नहीं रही। बालवीर, ये भस्म शूल बना ही इस तरह से है, ये अपनी गति से ही उर्जित हो पाएगा। लेकिन माँ, हमारे पास इतना समय नहीं है, पता नहीं कब तक हम आगे को भस्म तक पहुँचने से रोक पाएंगे, और इसीलिए इसको जल्द से जल्द उर्जित करके भस्म। बालवीर, इसे जल्द से जल्द उर्जित नहीं कर पाएंगे, ये अपनी गति से ही उर्जित होगा। हम सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। नहीं माँ, हम दोनों ने मिलकर कितनी मुसीबतों का सामना किया है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। शायद इस बार भी अगर हम दोनों अपनी शक्तियां जोड़ दें तो बस मशहूर की गति बढ़ा सकते हैं। लेकिन माँ, कोशिश करके तो देखिए, विश्वास कीजिए। बालवीर, तुम्हारा विश्वास सही साबित हुआ, आखिर हमने कर दिखाया। डिवाइस बनाए जो अनमोल है वो सिग्नल सम्राट बरदौल है। सिग्नल सम्राट, यार सच बताओ बात, यार इतनी तारीफ तो मेरी माँ ने नहीं की थी जितनी अब तू कर रहा है। अरे तो कोई गलत तारीफ कर रहा हूँ? तू है सिग्नल सम्राट है? और तूने ऐसी ऐसी मशीन बनाई कभी फेल ही नहीं हुई है। भाई मुझे तो पक्का यकीन है यहाँ भी तूने कोई ना कोई सिस्टम जरूर लगाया होगा। बरदौल, सच बताओ लगाया? अरे बताना यार, तेरी इजाद की हुई चीजों के बारे में जानकर बड़ी खुशी होती है। कौन सी मशीन बनाई बता। अरे जो वीर का घर है ना, हाँ, उसमें मच्छर भगाने वाली जो मशीन होती ना, हाँ, इतनी छोटी सी मशीन मैंने उधर लगाई है। मच्छर तो नहीं पकड़ती होगी वो? अरे नहीं, अरे नहीं यार, 24 घंटे उस मशीन से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उससे क्या होता है कि अगर मोहल्ले में कोई भी हिमबाशी की नेगेटिव सिग्नल या नेगेटिव शख्स उसके घर के या इस मोहल्ले के आस पास भी नजर आया ना, तो वो मशीन मुझे इस घड़ी पे सिग्नल भेजेगी अलर्ट, और मैं वो सिग्नल और अलर्ट वीर को भेजूंगा, समझा? और कभी बंद हुई तो? वही तो वो 24 घंटे बंद ही नहीं होती है, समझ गया हूँ मैं। हाँ, अगर बिजली चली जाए या पावर कट हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझा, कमाल की इजाद करता है यार भाई तू। अच्छा सुनना बरदौल, मुझे जाना होगा, मेहमान ने बुलाया है। तो पिज्जा खा कर जाना। अरे मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना, तू खा और तू आराम से पिज्जा खा और सो जा, क्योंकि तेरी मशीन के लगे रहते कोई दुश्मन यहाँ पर तो दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइस बनाए जो अनमोल है वो सिग्नल सम्राट बरदौल है। जा जा खा पिज्जा। तो ये जाल बिछाया है बालवीर और बरदौल ने भस्म को सुरक्षित रखने के लिए। जब तक शशमाग और मैं हूँ उनका कोई प्लान सक्सेस ही नहीं हो सकता। ओए गुरु, ओ यहाँ खड़े रह रहे के मेरे पैरों की लस्सी बन गई है, अंदर चले।
समझ नहीं आता एक बार। अगेल ने मना किया, जब तक हुआ का सिग्नल नहीं आ जाता हम अंदर नहीं जा सकते। चुपचाप खड़े रहो। एक सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये तुम्हारे मोहल्ले में नहीं जा सकता। मुझे इस कुर्सी बेचने के लिए ना कोई अकील, ना कोई अंधेर, ना कोई औबाद, कोई रोक नहीं सकता। तो वासिक जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। चाह रहा हूं मैं। ओगरो, ओ जाशुरो, ओ जी मेहरबान कदरदान साहिबान, सुन लो खोल कर अपने कान। गौर से देखो इस कुर्सी को जी, इस कुर्सी को महाराजा तोबा सिंह ने उनकी महारानी तोबी कौर के लिए बनवाई थी जी। ओए सर दर्द होया पदन दर्द, ये कुर्सी देगी आराम, दर्द का होगा राम राम। ठोक पर तली भाई। गड़बड़ सिंह की गड़बड़ शुरू। नेगेटिव सिग्नल मतलब मोहल्ले में नेगेटिव शक्ति आ चुकी है। अब सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मुझे बालवीर को खबर देनी होगी। मीटर के पास पहुंच गया वहां गिर है। स्विच ऑफ कर दो, इससे बरदौल की मशीन बंद हो जाएगी और तुम्हारे भस्म तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। ये लाइट कैसे चली गई? रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गई, इसका मतलब मोहल्ले से नेगेटिव शक्ति चली गई। अब मुझे बालवीर को इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, फिर भी मैं चौंकना रहूंगा। अब भस्म को अपना बीता हुआ कल याद आएगा और बालवीर का आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। बस एक बार भस्म जाग जाए मसाज। साश्वान रहे महामहिम। रहे साश्वान। क्या हुआ नेहमाक, अभी तो तुम खुश नजर आ रहे थे, अचानक से इतने गंभीर कैसे हो गए? नहीं महामहिम, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या छुपा रहे हो? दरअसल वो एक भविष्यवक्ता है जिसमें मेरा अटूट विश्वास है। उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्द भस्मशूल चार्ज होने वाला है। बस यही सुनकर खुशी से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। ख्वाहिश तो हमारी भी यही है। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। भस्मशूल को चार्ज होने में अभी कई दिन लगेंगे। महामहिम, भस्मशूल थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। कैसे हुआ यह चमत्कार? हमने हम दोनों की शक्तियां मिलाकर भस्मशूल को जल्द से जल्द उर्जित कर दिया। कौन है तुम्हारा भविष्य दर्शक? वो जो कोई भी है अच्छा है। इस भस्मशूल की मदद से हम भस्म को हमेशा के लिए परास्त कर इंकार लोक पर कैदी बनाकर रखेंगे। ये क्या हो गया? भस्मशूल चार्ज हो उससे पहले भस्म को सब याद दिलाना होगा। आगे जल्दी कुछ करो, वक्त बहुत कम है हमारे पास।
अरे ऐसे कैसे इतनी गर्मी में बिजली चली गई? बहू बहू। पापा जी, इस गर्मी में तो बिना पंखे के बैठा ही नहीं जा सकता। मैं देखती हूँ, रुको। हे भगवान, सत श्री अकाल पेंड जी। जी जी जी। माय सेल्फ कोबा सिंह और ये है अंधेर जी। अंधेरी, अंधेरी के शोरूम से आए जी। किस शोरूम से? अग्रो हो जा शुरू छोटी परवान साहिबान, सुन लो खोल कर अपने कान, गौर से देखो जी इस कुर्सी को। ये कुर्सी जी महाराजा तोता सिंह ने अपनी महारानी मैना के लिए बनवाई थी जी। तो हमने है ना जी उस शाही चेयर को एक नई तकनीक से पांच चेयर में कन्वर्ट किया है जी। सरदर्द हो या पतन दर्द, ये कुर्सी देगी आराम। दर्द का होगा राम राम जी। अब भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है? वो अंकल जी देखा होगा जी। मैंने भी पढ़ा है कहीं कि दुनिया में एक शक्ल के सात इंसान होते जी। सर मेरे कली की थोड़ी मजाक करने की आदत है। I'm so sorry. Actually, myself आनंद शर्मा और हमारी कंपनी ये वर्ल्ड की बेस्ट पांच चेयर ना बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे सेल कर रही है। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में तो वैसे भी कोई स्पा नहीं कराता। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड मैम, मैं समझ सकता हूँ, बट आप प्लीज मेरे कहने से ना एक बार इसका डेमो लेकर देखिए, अगर ना पसंद आए तो मत लीजिएगा प्लीज। नहीं, क्या डेमो वेमो लेना है? नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे पेंड जी सुनो तो सही, आप है ना इस डेमो के सिर्फ पर सिर्फ 500 रुपया देना जी। और इतनी बढ़िया डील आपको कहाँ मिलेगी जी, है ना अंकल जी? नहीं चाहिए, और 500 रुपए में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे बहन जी सुनियो ना, 500 ज्यादा है। चलो एक काम करते हैं, 400 रुपए में डेमो देते हैं जी। नहीं, अरे पेंड जी, पेंजी 400। अरे पेंजी दिमाग खराब हो गया, पैसे क्यों मांग रहे हैं? जी तुम उतने मजदूरी करवा रहे, इस बहाने थोड़ा कमा लेंगे। ठीक है ठीक है। अरे क्यों इनके चक्कर में पड़ना है पापा जी? अरे अरे भाई कहा ना कि हमें नहीं चाहिए। ओए अंकल जी सुनिए ना, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रहेगा। अरे अरे नहीं नहीं सर, पापा जी मजाक बंद कीजिए। सर आप सबके लिए डेमो एकदम फ्री है। अरे एक मिनट, एक काम करते, 400 रुपए में पूरी फैमिली को डेमो फ्री जी, फ्री फ्री। अरे और पेंड जी मैं समझ सकता हूँ कि एक गृहिणी का हक होता है मोल भाव करना, तो इससे बढ़िया, इससे बढ़िया मिलेंगे। ये लाइट को क्या हो गया भाई? नहीं नहीं सर, आप सबके लिए एकदम फ्री डेमो है, पूरे परिवार को। भाई साहब आप समझ ही नहीं रहे। अच्छा मैम, अगर हम आपसे पानी मांगेंगे तो आप पानी तो पिलाएंगी ना? हाँ पानी क्यों नहीं पिलाएंगे, मैं लेके आती हूँ। तो मैम जितनी देर में हम दोनों पानी पियेंगे बस उतने ही टाइम में आप इस 5 ईयर का डेमो ले लीजिए प्लीज। पेंड जी, अंकल जी इतना सोच क्या रहे हैं आप? मैं खुद होता तो मैं खुद बैठ जाता इस चेयर पे। क्या है ना, हम सेल्समैन हैं जी, हमको अलाउड नहीं है जी। जी मैम, हम लोगों को अलाउड नहीं है, वरना हम ही दिखा देते। बाकी जैसी आपकी मर्जी। भैया देखिए, आपको पानी पीना है तो मैं पानी पिला देती हूँ, लेकिन हमें ये डेमो वेमो नहीं चाहिए। बहू ऐसे भी बिजली है नहीं, कुछ काम तो है नहीं, तो हम क्यों ना ऐसा करेंगे जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक ये डेमो ले ले, वैसे भी फ्री ही तो है, शरीर के दर्द को मिटाने का मौका क्यों गंवाएं? है ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आ जाइए और दे दीजिए डेमो, मैं पानी लेके आती हूँ, तैयारी कीजिए आप लोग, आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक मिनट,
बिजली तो है ही नहीं, तो ये चलेगी कैसे? ओ अंकल जी, बैटरी पे चलती है ना जी, तुसी लोड ना लो। तो ले आओ फिर। आई जी। गोपा सिंह जी आइए। हम वीर के घर में घुस चुके हैं, अब जल्द से जल्द भस्म को उसकी पहचान याद दिलाओ, और अगर इस बार काम पूरा नहीं हुआ तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे। जी आगिर, इस बार काम पूरा करके आऊंगा। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे शाश्वान लोक में फोन करने से मना करने वाला आज फोन कर रहा है खुद। कैसे, क्या हुआ शशमा, आज पकड़े जाने का डर नहीं लग रहा? जब मरने का डर लग रहा हूँ ना, तो पकड़े जाने का डर रहता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि भस्मशूल चार्ज हो चुका है पूरी तरह से। क्या